या युवक को विषैला सांप पकड़ना भारी पड़ गया। दरअसल हीरो पंथी में उसने सांप तो पकड़ लिया लेकिन उसे काबू में नहीं कर पाया और रसल वाइपर नामक विषैला प्रजाति का सांप ने उसे डस लिया और अब युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। नौसिखिए युवक को विषैला सांप पकड़ना भारी पड़ गया। जी हाँ, हीरो पंथी दिखाना दरअसल उसे घातक साबित हो गया। रसल वाइपर नामक विषैले पदार्थ के सांप ने उसे डस लिया और अब युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। जख्मी युवक हजारीपहाड़ निवासी उमेश मड़ावी बताया गया। उमेश ने सर्प मित्रों को देखकर सांप पकड़ने की कुछ टेक्निक तो सीख ली लेकिन वह पूरी तरीके से इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, न तो उसे सांपों की प्रॉपर जानकारी थी। दरअसल दो दिन पहले हजारीपहाड़ परिसर में एक सांप देखा गया। अति उत्साह में उमेश सांप पकड़ने चला गया। फटाफट उसने सांप को पकड़ भी लिया, दोनों हाथों में सांप पकड़कर फोटो भी खिंचवा ली, लेकिन इसी बीच सांप ने उसे दो बार डस लिया। पहले तो उसने सर्पदश को हल्के में लिया लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बिगड़ने लगी। पहले उसे पास के मंदिर में ले जाया गया जहां जहर झड़ाने का काम किया जाता था, लेकिन हालात बिगड़ती ही जा रही थी। इसके बाद उसे मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया जहाँ डॉक्टरों का कहना है कि लगभग पूरे शरीर में ही सांप का विषैला जहर फैल चुका है। एंटी वेनम डोज भी दिए जा चुके हैं लेकिन हालात चिंताजनक बनी है। नमस्कार, माझा नाव नितीश अरविंद बांदकर, मी वाइल्ड लाइफ वेलफेअर सोसायटीचा सचिव आहे। यंदा आपल्याला भरपूर प्रमाणात पाहायला मिळते आहे की नवीन नवीन सर्प मित्र साप पकडत आहे आणि त्यांना बघून एरियातली तरुण पिढी देखील याच्याकडे एक छंद म्हणून बघायला लागली आहे आणि साप पकडण्याचं धाडस करत आहे। असंच एक धाडस एका तरुणाच्या जीवावर भेटलेलं आहे। आज दोन दिवसापूर्वीची घटना आहे। गिट्टी खदान परिसरातील एक युवक होता, त्याला सापाची जाणीव नव्हती, तो सर्पमित्र नव्हता, त्यांनी कुठेही प्रशिक्षण घेतलं नव्हतं, तरी त्यांनी साप पकडायचं धाडस केलं। मात्र जो साप होता रसेल वापर अतिशय विषारी जातीचा साप म्हणून ओळखला जातो। त्यांनी पकडल्यानंतर त्या मुलाला दोन वेळा चावा घेतला आणि तो इतका जास्त गंभीर प्रमाणात चावा घेतला, त्याला लगेच मेयो हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आले। मात्र त्याची प्रकृती कुठे ना कुठे चिंताजनक बनलेली आहे। या माध्यमातून मी तुम्हाला एवढं सांगू इच्छितो की जोपर्यंत तुम्हाला सापाची पूर्ण ओळख नाही आहे, जोपर्यंत तुम्ही याचं प्रशिक्षण घेतलं नसेल, तर तुम्ही सापाला हात लावायचं कुठल्याही प्रकारचं कार्य करू नका। कारण की सर्पमित्र म्हणजे ते पूर्ण प्रकारे याचं शिक्षण घेतलं असतात, ते पूर्ण सगळं ज्ञान घेऊन त्यानंतर सापाला पकडण्याचे धाडस करत असतात। मात्र यंदा प्रत्येक जण एकमेकाला बघून असं वाटतं की आपण पण सर्पमित्र आणि ते त्याच्या जीवावर भेटत आहे। आता जसं एक तो मेव मध्ये ऍडमिट आहे जीवावर भेटला, असं तुमच्या पण जीवावर भेटायला नको। यासाठी आपण काळजी घेतली पाहिजे आणि साप पकडण्याचा धाडस करू नको जोपर्यंत आपल्याला माहिती नाही आहे। वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के सचिव नितेश भांदकर ने बताया कि इन दिनों युवाओं में सर्प मित्र बनने की होड़ लगी है लेकिन कोई यूं ही सर्प मित्र नहीं बन जाता, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग के बाद भी अनुभवी सर्प मित्रों के साथ काम करना पड़ता है। जो सांप उमेश ने पकड़ा था वह रसल वाइपर था। यह सांप बेहद जहरीला होता है। सांप को पकड़कर काबू में करना बेहद संवेदनशील काम होता है। ऐसे में उमेश ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, अतः सभी युवकों को इसे सीख लेनी चाहिए। इन बीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।